बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, जो इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर ऑडियो लीक है, जहां एक तरफ उनके जो अपोनेंट हैं, उनके जो मुखालफीन हैं, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो दुनिया जहां को सबको वो लेक्चर दे रहे होते हैं कि दीन का, इस्लाम का और सारी चीज़ों पे मॉरालिटी का वो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे होते हैं दूसरों को, लेकिन उनकी जो अपनी जो मॉरल जो लेवल है, मॉरलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशान है उसके ऊपर। तो जहाँ उनके जो मुखालफीन है इस चीज़ को वो उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका जो सोशल मीडिया ट्रोल है, उनके जो गन्स हैं और जो प्रो पीटीआई जितने भी उनके उनके जो प्रो सहाफ़ी हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद हो गए, इमरान रियाज खान बहुत ज़्यादा जो आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि वो तो उनको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे वो जर्नलिस्ट नहीं है। एक होता है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो जिसकी एक अपनी राय हो, एक अपनी क्रेडिबिलिटी हो, तो नज़र यही आता है कि वो सिर्फ नाम के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके जितने भी आप उनके शोज़ देख लें, यूट्यूब के देख लें और बाकी भी जितने वो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, वो ऐसे लग रहा होता है कि वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग का हिस्सा है, वो कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है। तो अभी आज के दिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे एक चीज़, वो उन्होंने अपने सामने एक लैपटॉप रखा है और वो उस लैपटॉप पे कोई हॉलीवुड के कोई एक्टर हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट एक्टर हैं हॉलीवुड के मॉर्गन फ्रीमैन, उनकी कोई वॉइस है, उसको जो है ना वो डब कर रहे हैं और वो डब करके बता रहे हैं कि ये किस तरह से नून लीग के मेंबर बन गए, वो उनकी कोई आवाज़ है वो सॉफ्टवेयर के अंदर डब करके वो बेसिकली डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप किसी की भी आवाज़ को फैब्रिकेट करके उसके ऊपर जो है ना आप कोई स्टोरी बना सकते हैं, कोई आप कुछ किसी भी किस्म की ऑडियो जो है ना आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो जो अहम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बात तो आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, आप प्ले स्टोर पे ले लें या एप्पल स्टोर पे ले लें, हज़ारों लाखों के हिसाब से ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो आपकी आवाज़ को डम कर सकती हैं, आपको आपकी अगर आवाज़ है उसको ओल्ड मैन में चेंज करना है या किसी बच्चे की आवाज़ के अंदर चेंज करना है। अब वॉइस चेंजर ये तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और हर बंदा, इवन के कोई बहुत लेमैन किस्म का भी आदमी होगा, उसको भी ये चीज़ पता है कि ये वॉइस चेंजर बहुत कॉमनली, इवन के चाइना के स्मार्टफोन्स में भी ये चीज़ अवेलेबल है, वो उस चीज़ को दिखा के और एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़, इससे नुकसान पीटीआई को ये होगा, अगर अगरचे ये ऑडियो लीक्स जो हैं इमरान खान साहब की, जो नाजेबा गुफ्तगू है किसी खातून के साथ जो पीटीआई की मेंबर रह चुकी हैं आलिया मलिक, उनके साथ जो एक नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है ये फेक हो, रियल ना हो, इसके अंदर कोई हकीकत ना हो, लेकिन इतना बड़ा जब इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना बड़ा जो आपका इन्फ्लुएंसर है, वो इस चीज़ को लेकर वीडियोस बनाएगा और इस चीज़ को जो है ना प्रमोट करेगा, तो फिर जो लोग जिनको नहीं भी पता, जिनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ का, उन लोगों को भी एक क्यूरियोसिटी तो पैदा होगी कि भाई आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात की है खान साहब ने, तो हमें सुननी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो जो यूथिया है, जो पीटीआई का कोर सपोर्टर है, वो तो यही बिलीव करेगा कि यार ये तो फेक है, आप उसके सामने कोई भी चीज़ रख दें, कोई भी आप उसके सामने लॉजिक रख दें, वो कहेगा यार ये तो फेक है, हर चीज़ वो दूसरे की फेक कहेगा और अपने जो लीडर की होगी किसी और मुखालिफ की अगर ऐसी चीज़ आएगी वो कहेगा ये तो रियल है, लेकिन जब अपने लीडर की बात आएगी तो वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा इस हवाले से कि यार इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल फेक किस्म की चीज़ है। तो लेकिन बहुत सारे जो आपके मासेस के अंदर, आपकी जो पब्लिक है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक है, खान साहब का जो एक पर्सोना है, उनका जो एक करिश्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी है, उसको लाइक करते हैं, यूथ यंग जनरेशन लाइक करते हैं, लेकिन हर बंदा लॉजिकली इतना अंधा नहीं होता, इतना
समझ ले, इतना ब्लाइंड नहीं होता कि आप उसको कुछ भी दिखा दें, कोई भी चीज़ दे दें, वो उसको यही समझेगा कि यार ये तो फेक है, अगर खान साहब के ख़िलाफ़ है तो वो फेक ही होगा। और वैसे भी जो खान साहब का अगर आप ओवरऑल एटीट्यूड देख लें तो वो बहुत ही जल्दी अपने मोहसिन, जितने भी लोगों ने उन पर एहसान किए हैं खान साहब पे, आप इस्टेब्लिशमेंट को ले लें, अलीम खान को ले लें, जहांगीर तरीन को ले लें, तो वो विद इन अ सेकेंड वो जो है ना देर नहीं लगाते उनको डिसओन करने पे और उनको जो है ना अपने आप से डिस्टेंस करने में। तो खान साहब का तो एक ओवरऑल एक एटीट्यूड रहा ही है। बाकी जो इमरान रियाज खान है वो जिस तरह की उन्होंने एक वीडियो बनाई है, एक बिल्कुल इलॉजिकल, ऐसे लग रहा है कि कोई यूथिया बैठ के जो है ना ये वीडियो बना रहा है। भाई आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आपका एक मकाम है मीडिया के अंदर, तो आप ऐसी हरकतें तो ना करेंगे लोगों को लगे कि यार ये क्या चीज़ कर रहा है, क्या चीज़ बना रहा है। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।